हे गाइस वेलकम। तो इससे लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि जनरेटर्स क्या होते हैं, बट हमने खुद का जनरेटर नहीं बनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम खुद का जनरेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। एक पहली चीज़ हम यूज़ करते हैं जनरेटर फंक्शन। ठीक है, जनरेटर फंक्शन को यूज़ करके आप जनरेटर बना सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करके आप लिस्ट बना सकते थे, वैसे ही जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करके आप जनरेटर बना सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर फंक्शन की। तो जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन की बात हम दो तीन वीडियो में नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक कहूँ कि ऐसा फंक्शन डिफाइन करो जो एज अ आर्गूमेंट एक इनपुट लेगा, फॉर एग्जाम्पल 10, और वो फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो वो फंक्शन 1 से लेकर 10 तक के नंबर की प्रिंट करेगा। तो ऐसा फंक्शन आप कैसे बना सकते हैं, देखिए सिंपल है बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन फंक्शन का नाम रख सकते हैं नम्स। ये फंक्शन एज आर्गूमेंट लेगा एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल ए, या मैं लिखूँ एन। उसके बाद क्या कर सकते हो, लूप चला सकते हो, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 1, n+1। n+1 क्यों लिखा, क्योंकि n-1 तक जाता है। तो अगर यहाँ n+1 लिखूंगा तो ये n तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक या 20 तक या जितने मर्जी तक। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, प्रिंट आई, तो ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करूँ नम्स नाम के फंक्शन को, तो ये क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, मैं सिर्फ क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। इतना सबको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था। अब अगर आपने इसका जनरेटर बनाना है, मतलब आपने सीक्वेंस बनानी है जो कि इटरेटर की तरह काम करे, तो आप कैसे करोगे। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट की जगह यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड क्या करेगा, जनरेटर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको करूँ, देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ नम्स, तो ये क्या है, तो ये देखिए ये मेरा जनरेटर बन चुका है, ये मेरा जनरेटर बन चुका है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं, तो प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, बट हम जनरेटर क्रिएट करते हैं जब प्रिंट या रिटर्न नहीं करते, हम यील्ड करते हैं। यील्ड कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं जनरेटर काम कैसे करता है। देखिए, ये एक जनरेटर है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या है, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, फॉर नंबर इन नम्स ऑफ 10। ठीक है, अब मैं इसमें लूप चला सकता हूँ, मैं प्रिंट करा सकता हूँ अपने नंबर, और फिर समझाऊंगा क्या हो रहा है। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले ये आपकी मेमोरी, देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पे जब आप जनरेटर क्रिएट करते हैं, आपकी मेमोरी में सबसे पहले जनरेटर ने जनरेट किया नंबर 1, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करेगा ये जनरेटर। ठीक है, सबसे पहले आपके जनरेटर ने नंबर जनरेट किया 1। ठीक है, ओके। उसके बाद जब तक हम दूसरे नंबर की डिमांड नहीं करते, तब तक ये दूसरा नंबर जनरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे डिमांड की फॉर लूप चला के कि मुझे अपने नंबर चाहिए 1 से लेकर 10 तक। तो देखिए, जब पहली बार डिमांड की, तो इस फॉर लूप ने क्या किया, इटरेटर, जनरेटर क्या होते हैं, इटरेटर पे नेक्स्ट को कॉल किया और क्या किया, 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब ये 1 जब प्रिंट हो चुका है, अब ये मेमोरी से गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 का काम खत्म। अब जब नेक्स्ट की डिमांड करेंगे, नेक्स्ट नंबर की डिमांड करेंगे, ठीक है, तो फिर ये जनरेटर किसको कॉल करेगा, नेक्स्ट फंक्शन को, और जब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या नंबर आएगा मेरे पास, 2। ठीक है, जब फिर 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर जब 2 का काम खत्म, अब आएगा तीसरा नंबर। ठीक है, जब नेक्स्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा तो तीसरा नंबर कॉल होगा। ठीक है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा। मतलब मेमोरी में एक टाइम में एक ही नंबर है, और नेक्स्ट नंबर तभी जनरेट होगा जब हम उसकी डिमांड करेंगे। और अभी हमारे लिए डिमांड कौन कर रहा है, फॉर लूप।
आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको समझिए। तो अब बात, अब देखिए, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये मेमोरी में एक टाइम पे एक ही नंबर है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप को हटाता हूँ, ठीक है, और नंबर्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैं असाइन करता हूँ अपने इस जनरेटर को। तो नंबर्स क्या एक सीक्वेंस है, नंबर्स क्या एक जनरेटर है जिस जनरेटर में क्या है, सीक्वेंस है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब अगर मैं फॉर लूप चलाऊँ, फॉर नम इन नंबर्स प्रिंट नम, इससे क्या होगा, वही काम होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। बट अगर मैं ये फॉर लूप फिर से चलाऊँ, अगर ये फॉर लूप मैं फिर से चलाऊं, तो अब देखिए क्या होगा, मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर एक ही बार प्रिंट हो रहा है, मतलब कि एक ही बार आइटरेट कर पा रहा हूं मैं इसको, दो बार नहीं कर पा रहा। दो बार क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पहली बार मेमोरी में थे, ठीक है, बाद में हमने इन्हें यूज़ कर लिया, यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया, अब ये मेमोरी में कुछ नहीं है, मेमोरी से सब कुछ उड़ चुका है। हमने अगले नंबर की डिमांड की, अगला नंबर जनरेट हुआ, पिछला नंबर डिलीट हुआ, फिर अगले नंबर की डिमांड की, अगला नंबर जनरेट हुआ और पिछला नंबर डिलीट हुआ, ठीक है। तो इसलिए जनरेटर, अगर आपने किसी सीक्वेंस को एक ही बार यूज़ करना है तो तभी हम जनरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट यूज़ करता, एक और बात, आप अपने जनरेटर को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है जनरेटर, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिस्ट फंक्शन यूज़ करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखो क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होए, फिर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होए। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने किसी सीक्वेंस को एक ही बार यूज़ करना है और आप उसको लिस्ट में यूज़ कर रहे हो, तो जो आपको जनरेटर के बेनिफिट मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिल रहे थे देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए अगर आपने अपनी सीक्वेंस को एक ही बार यूज़ करना है, तो क्या होगा, जो आपकी मेमोरी है उसमें क्या होगा, देखिए अगर आप जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, मैं एक बार बताऊंगा आपको लिस्ट के केस में और फिर एक बार बताऊंगा आपको जनरेटर के केस में। देखिए लिस्ट के केस में क्या होगा, सबसे पहले आपकी लिस्ट होगी क्रिएट, ठीक है, लिस्ट क्रिएट होने में टाइम लगेगा, लिस्ट क्रिएट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद ये होगी स्टोर मेमोरी में, तो आपकी मेमोरी में इतनी जगह इसने घेर ली, ठीक है। अब बात करते हैं जनरेटर की, जनरेटर कभी भी पूरी सीक्वेंस एक ही साथ जनरेट नहीं करता। जनरेटर जब तक जनरेट नहीं करता जब तक कोई इसकी डिमांड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप में जब जनरेटर को यूज़ किया, तो फॉर लूप डिमांड कर रहा था नेक्स्ट आइटम की, ठीक है। तो उसमें जनरेटर में क्या होता है, पहली बार एक आइटम, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको हमने प्रिंट कराया, इसका काम खत्म, उसके बाद हमने डिमांड की अगली आइटम की, तो अगली आइटम आई मेमोरी में 2, तो उसका हमने प्रिंट कराया, इसका काम खत्म। तो जनरेटर में कुछ इस तरह होता है, इसमें क्या होता है, मेमोरी में कोई भी वेस्टेज नहीं है, मतलब अगर आपने सीक्वेंस को एक ही बार यूज़ करना है तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा जनरेटर, ठीक है, और इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, देखिए पहले आपको लिस्ट क्रिएट करने में टाइम लगा, बट जनरेटर में क्या करना है, एक ही नंबर क्रिएट करना है, वो भी जब इसकी डिमांड होगी, ठीक है, वैसे क्रिएट ही नहीं करना, ठीक है। तो यही फायदा है जनरेटर्स का। आई होप आपको जनरेटर्स का पता लग चुका होगा कि जनरेटर्स को यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।